हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आप हैं क्वेक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। क्या आपको पता है डोमिनिक लेपियर कौन थे और इनकी चर्चा क्यों है? हाल ही में 91 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। डोमिनिक लेपियर का जन्म 30 जुलाई 1931 को एक कैथोलिक फ्रांसीसी परिवार में हुआ था। जन्म भले ही फ्रांस में हुआ हो, लेकिन उनके दिल में एक छोटा हिंदुस्तान बसता था। डोमिनिक लेपियर की भारतीय संस्कृति में गहरी दिलचस्पी थी। उनका अक्सर भारत आना जाना लगा रहता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान वे कलकत्ता के स्लम एरिया के लोगों से जुड़े, उनके जीवन को करीब से देखा और उसे उपन्यास के रूप में अपने शब्दों से मूर्त कर दिया। वे धारा प्रवाह बंगाली बोलते थे। उनके उपन्यास सिटी ऑफ जॉय पर रोनाल्ड जोफ ने फिल्म बनाई है। यह उनका भारतीय लोगों से जुड़ाव ही था कि कोलकाता में स्लम एरिया के बच्चों के लिए उन्होंने 1981 में सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन की स्थापना की, जिसमें स्लम एरिया के लेप्रोसी से पीड़ित बच्चों का इलाज किया जाता है। यह फाउंडेशन उनके उपन्यास सिटी ऑफ जॉय से मिलने वाली रॉयल्टीज से चलता है। इसके अलावा फाइव पास्ट मिडनाइट इन भोपाल पुस्तक की रॉयल्टी भोपाल के संभावना क्लिनिक में ट्रांसफर हो जाती है, जहां भोपाल गैस त्रासदी के दौरान पीड़ित लोगों का इलाज किया गया था। उन्होंने भारत के विभाजन को भी निकट से देखा था। साल 1947 से 1948 के दौरान वे भारत में थे। साल 1975 में प्रकाशित उनकी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में विभाजन की त्रासदी का बहुत बारीकी और विस्तार से वर्णन किया गया है। फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लेपियर लिखते हैं, अंतिम वायसराय के रूप में माउंटबेटन का रुझान बंटवारे के खिलाफ था, और यानी वे नहीं चाहते कि भारत का बंटवारा हो। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया होता कि जिन्ना सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो माउंटबेटन बंटवारे के लिए कभी राजी ना होते, बल्कि जिन्ना की मौत का इंतजार करते। हालांकि यह बात सिर्फ जिन्ना के हिंदू डॉक्टर को ही पता थी, जिसने अपने मरीज के साथ विश्वासघात नहीं किया और जिन्ना को इस बारे में जरूर बता दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन यह किताब विभाजन के दौरान होने वाले सांप्रदायिक दंगों, निर्मम हत्याओं और हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोगों की समस्याओं का सजीव चित्रण करती है। साल 2008 में डोमिनिक लेपियर को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बतौर लेखक और भारत के प्रति उनका प्रेम हमेशा याद किया जाता रहेगा। भले ही लेपियर फ्रांस में जन्मे थे, परंतु उनका हिंदुस्तान प्रेम हमेशा याद किया जाता रहेगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।